हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन। आप सभी का शॉर्ट एंड स्वीट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। हम अपने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डीजीएम रूल पढ़ेंगे। डीजीएम रूल का फुल फॉर्म होता है डेविस ग्रीन एंड मिंगोस रूल, जिसे हम शॉर्ट के अंदर डीजीएम रूल भी कहते हैं। इस रूल के द्वारा हम ये प्रेडिक्ट लगाते हैं कि कोई न्यूक्लियोफाइल अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर 6 महीने के इंटरवल में नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि इस बार दिसंबर 2019 के एग्जाम में एक 4 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली डीजीएम रूल से पूछा गया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बहुत ही टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, इस रूल को पढ़ने के लिए हमें कुछ शॉर्ट वर्ड्स बनाए हैं, जिसे आप याद रख करके रूल के द्वारा आप न्यूक्लियोफाइल की पोजिशन सही तरीके से पता लगा सकते हैं। अपने पास जो सिस्टम रहता है, एक रहता है ओपन सिस्टम, जिसे हम असाइक्लिक सिस्टम भी कह सकते हैं या असाइक्लिक लिगेंड भी कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया है, ये एक ओपन असाइक्लिक सिस्टम है या लिगेंड है 1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि मेटल से अटैच है। तो ओपन चैन को हम लिखेंगे असाइक्लिक। ओके, तो पहला रूल डीजीएम क्या कहता है कि जो असाइक्लिक सिस्टम है या लिगेंड है इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लिक पॉलीइन। इसलिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब कॉम्प्लेक्स में अटैक करेगा तो वो असाइक्लिक सिस्टम के ऊपर पहले अटैक करेगा कंपेयर टू साइक्लिक सिस्टम के ऊपर। अगर असाइक्लिक और साइक्लिक दोनों सिस्टम एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में दे रखे हैं तो असाइक्लिक स्पीसीज पे पहले रिएक्शन होगी। सेकेंड पॉइंट हाईलाइट ये करता है कि जो इवन पॉलीइन से, इट मींस जिसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इवन है, वो मोर रिएक्टिव होंगे कंपेयर टू ओड पॉलीइन जिसके अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ओड नंबर में, लाइक 1,3,5 इन असाइक्लिक और ओपन पॉलीइन। इट मींस असाइक्लिक या ओपन पॉलीइन की मैं अगर बात करें तो इवन पॉलीइन इज मोर रिएक्टिव देन ओड। फिर थर्ड पॉइंट है कि जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करता है, टर्मिनल पोजीशन मोस्ट प्रेफर्ड करता है, वो पॉलीइन के बीच में या इन मिडल पोजीशन के ऊपर अटैक ना करके टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेफर्ड करता है। अब याद कैसे रखें ये पॉइंट, हमें पता तो होता है कि एग्जाम में कि इसके अंदर डीजीएम रूल लगने वाला है, लेकिन कई बार हम एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि असाइक्लिक या ओपन चैन मोर रिएक्टिव है या साइक्लिक चैन मोर रिएक्टिव है। तो इसके लिए जनरली आप इंग्लिश के अल्फाबेट को याद रखिए। जैसे इंग्लिश में वर्ड ए पहले आता है और वर्ड सी बाद में आता है, तो इसी से आप ये पता कर सकते हैं, याद रखने का तरीका है जनरली कि ए मीन्स असाइक्लिक इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लिक सिस्टम। ओके, तो आपको इन ए एंड सी से फर्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, ए मीन्स असाइक्लिक इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लिक। इसी तरह पॉइंट दो को याद रखने के लिए आपको जस्ट इवन पॉलीइन के लिए ई राइट डाउन करना है एंड ओड पॉलीइन के लिए ओ राइट डाउन करना है। तो पहले कौन आता है, ई। तो हमें ये याद रखना है कि इवन पॉलीइन इज मोर रिएक्टिव देन ओड। ओके, तो हमारे मेन जो दो पॉइंट थे वो हमने इस ट्रिक से याद रख लिया। तीसरा है, जो भी न्यूक्लियोफाइल है आपका वो टर्मिनल पोजीशन पे ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो इन बिटवीन पोजीशन रहती है वो आप ये देख सकते हैं कि हिंड्रेंस वहाँ पे रहता है। क्या रहता है, हिंड्रेंस रहता है या अदर जो अदर एटम्स है मॉलिक्यूल्स के या लिगेंड्स के, वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसके कारण जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर प्रेफर करता है। तो इस तरह से आप इन तीनों
पॉइंट को याद करके डीजीएम रूल पे अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट निकलेगा। तो चलिए, कुछ सिस्टम है, लिगेंड है, जिन्हें हमने असाइक्लिक और साइक्लिक रूप से डिस्क्राइब किया था। लाइक ये आपका हेप्टासिटी नीटा 4, इट मीन्स इसके 4 एटम्स कार्बन के साथ बाइंडिंग पोजीशन में है और ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करता है। कई बार हेप्टासिटी अलग हो सकती है और उसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन काउंट, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन अलग हो सकता है। ऐसा कोई केस आता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर अगर देखें तो नंबर ऑफ पॉलीइन कितना है, ये E1 है, 1 एंड 2। ओपन है, ओपन को हम और क्या कह सकते हैं, असाइक्लिक। ये एक अलाइलिक सिस्टम है, हेप्टासिटीज के 3 यानी 3 एटम मेटल के साथ अटैच है और ये इसके अंदर क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो सिर्फ सिंगल होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। इसको अलाइलिक सिस्टम को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, हाँ दिस, तो एक ही डबल बॉन्ड है इसके अंदर। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज समथिंग होता है अलाइलिक कैटायन। तो आपका ये है, आपका ओपन है सबसे पहले, तो ये ओपन चैन है तो असाइक्लिक वर्ड, एंड ओड नंबर ऑफ इन है तो ये ओड आ गया। ये आपका बेंजीन, हेप्टासिटी यहाँ पे आपकी दे रखी है 6, मेटल के साथ इसके 6 के 6 एटम कनेक्टेड है। इवन नंबर ऑफ इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने होते हैं, सॉरी इवन नंबर है ये आपका, नंबर ऑफ हेप्टासिटीज की इवन है तो आपका ये इवन पॉली इन हो गया और क्लोज्ड साइक्लिक सिस्टम आपका दे रखा है। नेक्स्ट लिगेंड को रीड करते हैं। अब यहाँ पे जो इवन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किसको ले रहे हैं, हेप्टासिटी को यहाँ पे लिया इवन। तो इसी तरह इसकी अगर हेप्टासिटी है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इवन है तो आप इवन ले लीजिए। ये आपका साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, इसके अंदर अगर हम अनसेचुरेशन की बात करें तो 2 डबल बॉन्ड होते हैं, एक माइनस चार्ज बियर करता है और मेटल के साथ इसके पांचों के पांचों कनेक्टेड है एटम्स, तो आपका हेप्टासिटी 5 पे ओड, इसका हेप्टासिटी हो गया तो इसको ले लिया आपने ओड पॉली इन क्लोज्ड सिस्टम, एंड तो क्लोज्ड को आप क्या कहेंगे, साइक्लिक भी हम इसे कहेंगे। फिर ये आपका बेंजीन है, बट हेप्टासिटी इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5, 5, तो 5 हेप्टासिटी के कारण हमने वर्ड यूज किया ओड, क्लोज सिस्टम है तो क्लोज के लिए साइक्लिक, तो इसे लिख देखते हैं हेप्टासिटी 5। ओके, तो हम एक डीजीएम रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसे सेंटर में लाते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलिए इसे जूम इन करते हैं। ओके, अब आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए, एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, सेंट्रल मेटल है आपका मॉलिब्डेनम, एक रिंग अटैच है बेंजीन, हेप्टासिटी कुछ नहीं दे रखी तो आपको एज्यूम करने 6 नीटा 6। एक दे रखा है 1 3 ब्यूटाडाइन, हेप्टासिटी नहीं दे रखी लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है ये शो करता है, जो ये हाफ आर्क है ये क्या शो करता है कि चारों के चारों एटम जो है इसके मेटल से अटैच है, तो स्ट्रक्चर कैसा रह गया इसका, जो हेप्टासिटी है वो रहेगी इसकी 4, और ये अलाइलिक सिस्टम है और इसमें भी आर्क दे रखा है जो कि तीनों मेटल के साथ कॉम्बिनेशन बता रहा है, इसका कनेक्टिविटी बता रहा है, तो इसकी हेप्टासिटी 3 और प्लस चार्ज है। तो पहले हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से चेक करते हैं कि क्या ये आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मॉलिब्डेनम D6 फैमिली का मेंबर है तो 6 इलेक्ट्रॉन, बेंजीन हेप्टासिटी 6 तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये 1 3 ब्यूटाडाइन हेप्टासिटी 4 दे रखी है तो 4, अलाइलिक सिस्टम 3 हेप्टासिटी तो 3 इलेक्ट्रॉन, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हमने एक माइनस परफॉर्म किया, ऐड किया 6 प्लस 6 12 प्लस 4 14 प्लस 3 19 माइनस 1 18, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, स्टेबल है। अब ये एच माइनस हाइड्राइड है अपने पास, हाइड्राइड मीन्स न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक दे दिया तो हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर डीजीएम रूल अप्लाई होने वाला है।
अब डीजीएम रूल अप्लाई करेंगे तो पहला हमें जो केस देखना था, असाइक्लिक इज मोर रिएक्टिव देन साइक्लिक, तो ये तो साइक्लिक है तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। तो असाइक्लिक दो सिस्टम में दिस एंड दिस, अलाइलिक और आपका 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इवन नंबर है, ये ओड नंबर पॉलीइन है, ये इवन नंबर पॉलीइन है। ओड और इवन नंबर पॉलीइन में कार्बन नंबर को हम मेंशन कर रहे हैं कि अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो आपका वो इवन नंबर पॉलीइन कहलाएगा, और ओड नंबर ऑफ कार्बन है तो आपका ओड नंबर पॉलीइन कहलाएगा। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकेंड पॉइंट ये था कि आपका इवन और ओड के अंदर इवन पॉलीइन एंड ओड पॉलीइन में मोर रिएक्टिव कौन था, इवन वाला, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि साइक्लिक एंड असाइक्लिक में मोर रिएक्टिव कौन था, असाइक्लिक वाला, ठीक। तो सेकेंड पॉइंट इसके अंदर इवन वाला कौन सा सिस्टम दिखाई दे रहा है हमें, तो इवन वाला जो था 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसकी एपेसिटी 4 थी, तो यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और थर्ड पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेफर्ड होता है, तो ये जो माइनस है वो टर्मिनल पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। फोर्थ पॉइंट या देखे यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है कि जो पहले हेप्टासिटी 4 थी वो हेप्टासिटी चेंज हो जाएगी कितने के अंदर, 3 में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हेप्टासिटी कितनी है, यहाँ पे हेप्टासिटी लिखी हुई नहीं है, बट कितनी हेप्टासिटी अपने को दिखाई दे रही है उसके दिए गए स्ट्रक्चर से, तो नीचे वाले की एपेसिटी 3, ऊपर वाले की 4, तो इसकी एपेसिटी अब 4 से 3 में चेंज हो जाएगी, और जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज था वो 0 चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0। अब हम इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, मॉलिब्डेनम के कारण 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, बेंजीन के कारण 6, एपेसिटी इसके 6 है। इस अलाइलिक सिस्टम के कारण 3 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाले जो सिस्टम आपको दे रखा है, ये सिस्टम आपका इसके अंदर 4 कार्बन है, तो यहाँ पे हमने 3 कार्बन ड्रॉ किया, तो इसे पहले सही कर लेते हैं। तो देख लेते हैं ये सही कैसा होगा। ये यहाँ पे आपका कार्बन होगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन अटैच करेगा, तो अब जाके इसके अंदर 4 कार्बन हुए। ओके, 1, 2, 3 एंड 4, तो फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोजन ने अटैक किया है आपके, तो ये आपका बन गया हेप्टासिटी, जो पहले 4 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, 3, यानी कि इसके 3 एटम्स 1, 2 एंड 3 एटम मेटल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड पोजीशन में है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 3, और ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, 0, तो यहाँ पे चार्ज के कारण कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब ऐड कर लेते हैं तो 6 प्लस 6 12 एंड 3 15 एंड 3 18, तो ये आपके 18 रूल को अप्लाई कर रहा है, इट मीन्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल किस टाइप का किस पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स में अटैक करता है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इससे रिलेटेड देखते हैं।